गुड इवनिंग, कैसे आप सब? मैं एकदम बढ़िया। शाम हो चुकी है वैसे तो, थोड़ी दोपहर है बाहर बहर, बट शाम अप्रोक्स अप्रोक्स मान के चलो। और अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, कुछ पेमेंट है तो वो पेमेंट मुझे निकलवानी है पहले बैंक से, और वो फिर मुझे किसी ऑफिस में जमा करवानी है। सो पहले यहाँ से निकलते हैं एटीएम में, और एटीएम में जाके पेमेंट निकलवाते हैं, फिर ऑफिस चलता है। अभी जा रहे हैं एटीएम पर, एटीएम से निकलवाता हूँ। और मैं, ये एटीएम है अपना होटल ग्रीन पार्क के पास में, जहाँ पे पहले अपना होटल रूम लिया करते थे वहाँ पर। ये पॉकेट वॉकेट भर चुके हैं पैसों से, अंदर दिख नहीं रहे होंगे, अच्छे से दिखाता हूँ एक बार देखो इतने सारे पैसे। और ये जमा करवाने हैं ऑफिस में, पसीने से बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। अभी ऑटो ले लेता हूँ फटाफट से, फिर पहुँचता हूँ मैं। सो यहाँ पे जमा करवा दिया ऑफिस के अंदर सारी पेमेंट, और यहाँ से निकलता हूँ मैं। ऑफिस दिखाऊंगा पीछे, वगैरह शो नहीं कर सकता कि ऑफिस का बैठ रहता है, इस वजह से अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ पहले फटाफट से। ऑफिस से आके घर पे चला गया था आराम से सोने वाने के लिए, और उसके बाद में सारे काम कंप्लीट कर रहा था अपने खुद के बेसिकली। और अभी रात थोड़ा सा मूड हुआ बाहर घूमने के लिए, तो कैब बुक करवाई है और अभी जा रहा हूँ वी आर मॉल में जाने के लिए। वहाँ जाके देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करना, ये अपना वो होटल और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से भी निकलता हूँ मैं पहले। सो पहुँच गया हूँ वी आर मॉल में, और मुझे देख रहे हो टी वी आर है, और सोच रहा हूँ कि मूवी देख लेता हूँ। और मूवी 11:30 समथिंग बज चुके हैं, तो प्लानिंग है फास्ट टैक्स देखने की। फास्ट टैक्स इसलिए कि उसी में सिर्फ सीट मिल पाई है, बाकी सारा हाउसफुल है, थर्ड क्लास भी पूरा फुल हो गया रखा है। और सिर्फ दो उस पर 11:30 बजे है, हिंदी में है मूवी, देख लेते टाइम पास हो जाएगा। जैसे कि सुबह से वैसे भी कुछ काम ही कर रहा था मैं, थोड़ा थक गया हूँ, टाइम पास हो जाएगा। अगर टी वी नहीं है, टी वी देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ता, क्या करेगा। अभी यहाँ पर हूँ और कुछ टाइमिंग अभी आधे घंटा बचा है, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं यहाँ पर। मूवी टिकट बुक करवा के मैं आ गया हूँ दूसरी साइड, देख रहे हो चाट भी जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो बड़ा खाता हूँ वड़ा पाव, और आज यहाँ पे आके वड़ा पाव ना खाऊँ तो चलेगा क्या? 15 मिनट बची है मूवी देखने के लिए, बट वड़ा पाव खाना ज़रूरी है। सो वड़ा पाव ऑर्डर किया, आते ही खाता हूँ मैं पहले। आ गया मेरा वड़ा पाव, दे देखो प्यारे प्यारे बच्चे शेजानी करते हुए घूम रहे हैं इधर। मैं खाता हूँ बड़ा पाओ, बच्चों को छोड़ो एक बार। ये 3D वाला चश्मा मिल गया है मूवी देखने के लिए। हाँ मूवी ये नहीं लगी है, वो आएगी थोड़ी देर में, दिखाता हूँ आपको। इंटरवल हो चुका है मूवी का, दिखा नहीं सकता, ये स्टेडी के अंदर मूवी है ना सारी की सारी, इसलिए वेल्डिंग वाले सवाल लग रहा है पूरा पूरा। सो मूवी देख के आ चुके हैं बाहर, मूवी काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया, सस्पेंस वाली मूवी थी, लास्ट के अंदर सस्पेंस छोड़ दिया है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। और रात के 2 बज चुके हैं, अभी कैब लेके जाते हैं यहाँ से घर पे, और घर पे जाके व्लॉग एंड करूँगा बेसिकली। बट हाँ, मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इंटरेस्टिंग मूवी थी, सब कुछ बड़ा अच्छे से हुआ। और जो मैन है वो ये है कि जितने भी मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन था वो सारा का सारा मिक्सअप करके डाल दिया, और मतलब अच्छी थी। फास्ट एंड फ्यूरियस के बहुत सारे लोग दीवाने रहे हैं, तो हाँ सबको पसंद भी आएगी, देखना जो देख सकते हो। बस भागते भागते निकलता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से बाहर खड़ी है मेरी, अब मैं वहाँ पे जाके निकलता हूँ सोसाइटी में। सो अभी आ चुके अपने घर पे, और रात के 2:30 बज चुके हैं, 2 उधर ही बज चुके थे, 2:30 बज चुके अभी पहुँचते। मूवी का बताऊँ रिव्यू तो बहुत बहुत अच्छी मूवी थी, 3D मूवी थी तो बड़ा मज़ा आया। और सीट्स बस हाँ ये था कि थोड़ा नज़दीक नज़दीक वाली मेरी, क्योंकि पूरा हाउस फुल था, मैं लास्ट टिकट बची थी मेरे लिए वो। और हाँ बोलते ना कि ऐसे एक्शन से भरी हुई मूवी थी, पूरी पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, जो शौकीन बंदे हैं देखो उनके लिए तो, और ऊपर जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हो तो क्या कि
सब कुछ समझ आएगा। अगर ऐसे देखोगे तो थोड़ा टिपिकल है हाँ, बट अगर पूरी मूवी अगर समझदार ऐसे एकदम कॉन्सेंट होकर देखोगे तो समझ आ जाएगी। मूवी काफ़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। बस लास्ट का तो ये था कि चैप्टर क्लोज नहीं किया, सो चैप्टर उनको क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए अलग मूवी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको नेक्स्ट वाली मूवी देखनी पड़ेगी, और अगर आप शौकीन नहीं हो ऐसी मूवी का तो मत देखना, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि आपने ये वाली मूवी देखी है उसके नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा। फास्ट एंड फ्यूरियस का चल गया, कोई सीन नहीं है कि 7 पार्ट 8 पार्ट है उसके, तो वो वाला सीन चल जाता है क्योंकि उसमें वो सब कुछ दिखा देते हैं तो वो कनेक्ट कर देते हैं। बट अगर आप ये वाला सीन ये वाली मूवी मिस कर दोगे तो उसके नेक्स्ट वाली मूवी बिल्कुल मत देखना। और ये भी है कि मतलब ये देख लेना तो भी वो देखना, सिंपल कहानी ये है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो अगर ये देखना चाहते हो, वो वाली देखना चाहते हो जो आने वाले टाइम में होगी, तो कोई ये पहले पहले देख लेना, और वो वाली नहीं देखना चाहते तो ये भी मत देखना, रुपये बजा के रखना। हाँ सब कुछ यही था, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, टाटा बाय बाय गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ व्लॉग्स लेट लेट आ रहे हैं मुझे पता है, और दिल से भी नहीं बना रहा हूँ ये मुझे पता है, मेहनत कम हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर मेहनत भी होगी, सब काम होंगे, बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ इस टाइम पे, सब चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूँ। पहले सब कुछ ख़राब हो चुका था, मामला पेचीदा हो गया था कि समझ नहीं आता कहाँ से कैसे सब कुछ करूँ स्टार्ट, बट अभी धीरे 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 सब कुछ सही हो जा रहा है। और हाँ एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ टॉप लॉच लेवल का हो जाएगा। सो टाटा, लोग को वैसे एंड कर दिया है, सो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।